हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। और आज मैं आपके साथ शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। और अगर प्लीज़ आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू। शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने एक गिलास राइस लिए हैं। ये बासमती राइस है और इनमें मैं डबल से भी थोड़ा ज़्यादा पानी डालूंगी, यानी कि 2 गिलास फुल और आधा, यानी कि 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और इसको बॉईल होने रख दूंगी। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और थोड़ा सा नमक, ताकि ये थोड़े चिपचिपे चावल ना बने, थोड़े खिले खिले बने। अब मैं शेजवान चटनी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने पानी लिया है और उसमें 10 से 12 मैंने ये सूखी मिर्च डाल दी है और इसको बॉईल होने रख दूंगी लो से मीडियम फ्लेम पे। जब ये उबल जाएंगी तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है और फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूंगी। और अब मैं चटनी बनाने लगी हूँ। मैंने 1 कड़छी लिया है ऑयल और उसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है तो मैंने इसमें 8 से 10 कलियाँ ली हैं लहसुन की और अदरक लिया है। इसको बस थोड़ा सा पकाने के बाद मैंने जो वो मिर्च का पेस्ट लिया था वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ये देखो कितना अच्छा बना है। बस ये ध्यान रखना है अपने गरम गरम मतलब मिर्च को ग्राइंड में नहीं डालना ग्राइंडर में, नहीं तो फिर वो ऊपर को आ जाता है, गिर भी सकता है वो। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच छोटा मैंने नमक डाला है, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर। इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है जिससे इसका कलर और अच्छा आ जाएगा। अब मैं इसमें ये चटनी थोड़ी पक रही है, मैं इसमें 1 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, वाइट कॉर्नफ्लावर, उसमें पानी डाल के उसको अच्छे से मिला लूंगी और इसको चटनी को हिलाते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स करूंगी। इससे क्या होगा कि जो चटनी है वो थिक हो जाएगी। बस थोड़ा थोड़ा ऐसे डाल के हिलाते रहना है साथ में। ये देखो हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब हमने जो राइस थे वो देखो बॉइल्ड हो गए हैं, उनको बस थोड़ा सा कच्चा रखना है, हल्का सा, बिल्कुल उनको मैश नहीं कर देना। अब मैंने राइस जो उसको मैंने तड़का लगाना है उसके लिए मैंने 1 कड़छी लिया ऑयल, यानी कि आधी कटोरी ऑयल ली है, आधी कटोरी से भी कम। और ये मैंने वेजिटेबल कट की हुई है सारी, शिमला मिर्च, धनिया की थोड़ी सी डंडियाँ, बीन्स, अदरक लहसुन, ये सब मैंने छोटा चॉप किया हुआ है। और मैं इसमें 2 प्याज भी डालूंगी, वो थोड़े बाद में, ताकि उनका फ्लेवर आए। मैंने सबसे पहले अदरक और लहसुन डाला है, जब थोड़ा सा वो ब्राउन सा हो जाएगा फिर मैंने इसमें बीन्स डाल दिए हैं। इनको सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ही पकाना है। अब इसमें मैंने कैबेज डाल दी है, बंद गोभी, मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच डाला है नमक, 2 छोटे चम्मच डाला है नमक, गरम मसाला, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है मैंने, ये ऑप्शनल है। मैंने इसमें 2 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है टेस्ट बढ़ाने के लिए, और लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और थोड़ी सी आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से मिला लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने धनिया की ऐसे डंडियाँ काटी हैं, और ये प्याज, सॉरी शिमला मिर्च,
बस ये सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना। अब मैं इसमें दो प्याज काटे हैं मैंने, वो इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच सोया सॉस ऐड की है, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत अच्छे भी बनते हैं। अब मैं इसमें राइस ऐड कर दूंगी। ये देखो हमारे चावल कितने खिले खिले बने हैं। अब मैं इसको अच्छे से राइस को इनमें मिक्स कर लूंगी ताकि सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब मैं इसमें जो मैंने सेजवान चटनी बनाई है वो मिक्स कर दूंगी। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हो और कम खाते हो तो कम। और मैंने थोड़ी सी सोया सॉस इसमें 1 चम्मच और ऐड की है, यानी कि टोटल मैंने 3 चम्मच सोया सॉस डाली है। ये देखो हमारे चावल फ्राइड राइस हो गए हैं तैयार। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।